अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के बाहर और आप मेरी बिल्कुल पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कतारों में मौजूद हैं और अपनी गाड़ियों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। पार्किंग एरिया एक्सपो सेंटर में बनाया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं PSL 5 को कामयाब बनाने के लिए। कराची के शहर में आप इस वक्त देख सकते हैं कि गहमा गहमी का आलम है, एक पुरजोश फिज़ा जो है वो नज़र आ रही है लोगों की, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं। PSL 5 के आज इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर का पहला मैच है और दोनों टीमें मद्दे मुकाबल हैं। आइए चलेंगे और जानेंगे इस बारे में लोगों से कि उनकी क्या राय है और ट्रैफिक के बारे में भी अपडेट करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो ट्रैफिक के पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जी ट्रैफिक के इंतजाम कैसे चल रहे हैं यहाँ पे। आवाम जो है वो इनकी इकदाम से जो है वो खुश हैं और इत्मीनान बख्श हैं जो इंतजाम इन्होंने किया। आइए चलते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, PSL 5 कराची आ गया है और जैसे कि इंतजाम जो है वो आप लोगों ने संभाले हुए हैं, तो मुझे बताएंगे आपको कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही आवाम के हवाले से? नहीं नहीं, आवाम हमारे साथ माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट कर रही है और ताउन कर रही है, कोई ट्रैफिक में कोई वो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक केयर करिए से चल। सर मुझे बताइएगा कि ट्रैफिक का कुछ मुझे नक्शा बताएंगे कि जी कहाँ से ट्रैफिक को बंद किया गया है, क्योंकि उसके बाद सारे आरजी रास्ते बंद करने के बाद जो है वो स्टेडियम तक जाने के लिए जो रास्ता दिया है वो एक्सपो सेंटर से निकाला जा रहा है और एक और दूसरी एंट्रेंस उन्होंने दी हुई, तो इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रैफिक स्टेडियम के तकरीबन दो तीन किलोमीटर दूर के रास्ते तकरीबन बंद किए हुए हैं, पार्किंग के जो हैं वो खुले हुए हैं, ग्राउंड जो है VIP पार्किंग कोई बाकी पार्किंग मोटरसाइकिलों की इन सब की खुली हुई है, बाकी रास्ते तकरीबन बंद है। जी मेरे साथ एक शायकीन मौजूद हैं क्रिकेट के और आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जी कैसा लग रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कराची में जो है वो PSL आ गया है और आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? बस PSL देखने आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, मीरपुर माथेरो से। कहाँ से? मीरपुर माथेरो से। मीरपुर माथेरो से आए हैं आप, तो मुझे बताइए कि किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? इस वक्त तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है, बाकी टीमों से बहुत बेहतर है। कराची के इंतजाम से सहमत हैं आप? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे इंतजाम, इत्मीनान बख्श है बिल्कुल। जी जी बेहतर है, काफ़ी पहलों की नस्बत बहुत बेहतर है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही है कि बस आए क्रिकेट को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्रिकेट है पाकिस्तान में, तो आए बाकी टीम भी आए। बेहद शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्रिकेट के इस मैदान में आप आई हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस मैदान में आकर, हम बहुत दफ़ा आए, आज भी आए। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि जी कराची में PSL मैच हो रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हैप्पी हैप्पी सो हैप्पी। यू आर सो हैप्पी, ओके। मुझे बताइएगा कि इसके अलावा कि कराची में जो है वो ट्रैफिक का इंतज़ाम भी अच्छा किया गया है, फुल सिक्योरिटी दी गई है, तो इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी जी जी, इन्होंने ट्रैफिक का अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा है, एक तरफ से रास्ता नहीं रखा, दूसरी तरफ से रखा है, बहुत अच्छा हमें लगा। पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी पाकिस्तान खुश रहे, आबाद रहे, बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करने आए आप? सर हम यहाँ मैच देखने आए, ओपनिंग सेरेमनी है, एंजॉय करने आए उसको। तो सर एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अब अंदर जाएंगे तो फिर उसके बाद एंजॉय एंजॉय। किस टीम को सपोर्ट करते हैं सर? मैं क्वेटा को कर रहा हूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर को। और कराची में जो है वो PSL हो रहा है और पाकिस्तान के और भी मुख्तलिफ शहरों में इसके मैचेस खेले जाएंगे, तो इस हवाले से बताइए कैसे महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये के इंतजाम बड़े बेस्ट किए हुए हैं, तमाम जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे सब यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छा सिक्योरिटी का भी इंतजाम है। तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है और मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम, सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री नाउ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ कुछ शायकीन जो है क्रिकेट की मौजूद हैं और काफ़ी तैयार होकर आए हैं यहाँ पर और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। क्या करने आई हैं यहाँ? हम आज सपोर्ट करने आए इस्लामाबाद को, मैच देखने आए। इस्लामाबाद आप कहाँ से आई हैं? हम इधर ही रहते हैं, पीछे कराची में ही रहते हैं। कराची में पाकिस्तान में मैचेस सारे हो रहे हैं, इस हवाले से कुछ बताइएगा। हम बहुत एक्साइटेड है, पहली बार सारे मैचेस हो रहे हैं और हम सारे मैचेस देखना चाहेंगे। सारे मैचेस देखने के लिए जाएंगे, कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कौन सी टीम को सपोर्ट करती है? वैसे तो हम कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, कराची में रहते हैं। और अगर फाइनल में कराची अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँच सका कराची
پارکنگ تو پھر کس کو سپورٹ کریں گے؟ اسلام آباد کو. اسلام آباد کا سپورٹ کریں گے. سیکیورٹی کے انتظامات کیسے نظر آ رہے؟ بہت اچھی سیکیورٹی ہے. کچھ پاکستان کی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سب میچ دیکھنے آئیں اور سپورٹ کریں پی ایس ایل کو تاکہ اور میچز ہو سکے پاکستان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا جی, میرے ساتھ ایک بہت چھوٹی سی ننی منی سی بچی موجود ہیں, اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کتنا خوش ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بڑا تیار ہو کر آئی ہیں؟ جی. آپ مجھے بتائیے گا کہ جی کرکٹ دیکھنے آئی ہیں؟ جی. کس ٹیم کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کوئٹہ کو. کوئٹہ گلیڈیٹر کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر کوئٹہ گلیڈیٹر فائنل میں انفارچونیٹلی نہیں پہنچا پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں, میں کراچی کو کر لوں گی. کراچی کو سپورٹ کر لیں گے کیونکہ ٹرافی تو پاکستان میں ہی آنی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو, پاکستانیوں کو؟ کرکٹ دیکھ, یہاں سب کرکٹ دیکھنے ضرور آئیں, یہاں بہت مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے؟ جی سر, مجھے بتائیے گا پی ایس ایل میچ اب پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں, اندرونی شہروں میں ہو رہے ہیں, اب بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اس میچز کو دیکھنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, تو کیسا لگ رہا ہے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کری تھی کہ یہاں میچ نہ ہو اور کافی نقصانات بجھائے, اور الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اب دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں اور لوگ بہت خوش ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام بہت زیادہ خوش ہے پی ایس ایل فائیو کو لے کر, اور وہ یہی کہتی ہے اور امید بھی کرتی ہے کہ اگلے سارے میچز پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوں گے, اور اس کے علاوہ تسلی اطمینان بخش بھی اطمینان بھی ہے ان کو اس بات کا کہ جی ہمارے حکومتی ادارے جو اقدامات سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی کافی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں وہ. کیمرہ مین ہاشم سومرو کے ساتھ مختار احمد, ٹائم نیوز کراچی.